गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द टाइगर किंग। मानव का जंगली पशुओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण कैसा होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का छोटा सा सारांश मैं आपको बता देता हूँ। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महाराज द टाइगर किंग सौ शेरों का शिकार करने का प्रण लेते हैं और किस प्रकार से वह प्रण लेने के लिए पुरोहित द्वारा प्रेरित किया जाता है तथा 100 शेरों को मारने के लिए अर्थात उनका शिकार करने के लिए महाराज ने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो सब कुछ इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कहता है कि इस पाठ का जो हीरो है वह प्रतिबंधपुरम जो जगह है उसका जो महाराज है वो इस स्टोरी का नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो भी पूरा पैराग्राफ है इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आए हैं, तो इनमें से किसी भी नाम से हम महाराज को पुकार सकते हैं। तो कहता है कि ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, ये भी उसका नाम है, इसके इस नाम के रूप में भी उसको पहचाना जा सकता है। किलेदार मेजर के रूप में भी। सत व्याग्रा समहारी महाराजा धीराजा विश्वा भुवना सम्राट, ये भी नाम है। सर झिलानी जंग जंग बहादुर, ये भी नाम है। शॉर्टकट एब्रीवेशन में भी उसका नाम बताया है, MADACTC और CRCK, बट दिस नाम इज ऑफन शॉर्टन टू दी टाइगर किंग। लेकिन इस नाम का बिल्कुल संक्षिप्त रूप प्राय यूज किया जाता है जो कि है द टाइगर किंग। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। लेखक कहता है कि मैं ये बताने के लिए आगे आया हूँ तुम्हारे पास कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, अर्थात उसको टाइगर किंग के रूप में क्यों पब्लिक जानने लगी। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रीटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल। इसका अर्थ है कि लेखक ये कहना चाहता है कि अपनी कहानी का केवल रणनीतिपूर्ण अंत करने के लिए मेरा आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है, अर्थात मेरा आगे बढ़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपनी कहानी का केवल रणनीतिपूर्ण अंत करना चाहता हूँ, अर्थात लेखक अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहता है, लेखक अपनी कहानी को यहाँ पे संपन्न जैसे पूरा नहीं करना चाहता। कहते कि इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर। स्टुका बॉम्बर कौन था? स्टुका बॉम्बर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे प्रसिद्ध हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज था। कहता है इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक। कहता है कि ये कहानी सुनाने से मुझे जो स्टुका बॉम्बर है उसकी धमकी भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटाएगी। द स्टुका इफ इट्स लाइक, कहते कि वो स्टुका अगर चाहे तो कैन बीट ए हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो अगर स्टुका अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से स्वयं को हटा सकता है। कहते कि राइट एट द स्टार्ट, कहते कि बिल्कुल शुरू में, इट इज इम्पेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कहता कि कहानी के बिल्कुल शुरू में यह बहुत ज़रूरी है कि मैं टाइगर किंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको स्पष्ट कर दूँ। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल क्रेज। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य का मतलब जिसको रोका ना जा सके, अर्थात अटल इच्छा। आगे कहता है कि जो कोई भी उसके बारे में पढ़ता है उसकी ये इच्छा हो जाती है स्वाभाविक रूप से कि वह ऐसे अदम्य साहस रखने वाले व्यक्ति से मिले, कैसे फेस टू फेस आमने सामने होके मिले। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति होने का कोई चांस नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे कि भरत ने
जैसे कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में बताया था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, की जो टाइगर किंग है, जो शेर खान है, वह सभी सजीव जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है। अर्थात कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो द टाइगर किंग इज डेड, कि टाइगर किंग मर चुका है, उसका स्वर्गवास हो चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कहता कि जिस प्रकार से टाइगर किंग मरता है तो वो अपने आप में एक अतिरिक्त इंटरेस्ट की बात है, एक अत्यंत अतिरिक्त इंटरेस्ट की बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट दी एंड ऑफ दी टेल, कहता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई ये कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेस्माइस वाज, कहता है कि उसकी मृत्यु का जो सबसे अधिक काल्पनिक, मन को आकर्षित कर देने वाला पहलू था वो ये था, दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, की जैसे ही वह पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो ज्योतिष शास्त्रियों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग ने वास्तव में मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, कहते हैं कि जो बच्चा होगा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का, कहता है कि हीरो का हीरो बनेगा, और कहता है कि चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्हें अपने होठों को दबा लिया, एंड स्वेलोड हार्ड, और उन्होंने अपने थूक को बड़ी कठिनाई से निगला। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको अपनी बात को जारी रखने के लिए बाधित किया, दी एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने जब इस बात का पता चला, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, वैसे तो अपने आप में एक राज की बात है जो अभी नहीं खोलनी चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हम बताने के लिए बाधित हैं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, कि जो बच्चा है वो उस स्टार के अधीन जन्मा है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, की उसे एक दिन ना एक दिन मरना होगा, ऐसा उन पुरोहितों ने कहा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, बिल्कुल उसी क्षण एक चमत्कार हुआ, एक महान चमत्कार हुआ, एंड एस्टोनिशिंग फ्रेजी इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, कहता है कि एक हैरानी का फ्रेजी बाहर निकला उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से, जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था। ओ वाइज प्रोफेट्स, कहता कि हे बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन, हर कोई स्तंभित होकर, जड़वत होकर वहीं खड़ा रहा। दे स्टूड वाइडली एट ईच, उन्होंने बड़े व्यापक दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखा, ईच अदर एंड ब्लिंकड, और अपनी आंखों को झपझपाया। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, कहता कि हे बुद्धिमान पैगंबरो, मैं हूँ जो बोला हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब की बार तो शक की कोई बुनियाद ही नहीं थी। इट वाज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 डेज एगो, कहता कि यह तो वो शिशु था जो 10 दिन पहले जन्मा था, हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इन शब्दों को बड़ी स्पष्टतापूर्ण बोला था, उस शिशु ने इन शब्दों को बड़े स्पष्ट ढंग से जो है बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, कहता कि जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री था उसने अपनी चश्मा को हटाया, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बड़े ध्यान से बच्चे की तरफ एकटक ही देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कहता कि वो सभी जो जन्म लेते हैं एक दिन उनको मरना होगा। वी वॉन्ट नीड योर प्रिडिक्शंस
टू नो दैट, कहता है कि तो हमें तुम्हारी इस प्रकार की भविष्यवाणियों को जानने की आवश्यकता नहीं है। दे वुड बी सम सेंस, कहते हैं देर वुड बी सम सेंस इन इट, कहता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी में कुछ समझ होनी चाहिए। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर तुम उस मृत्यु का कोई तौर तरीका बता सको तो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटल स्क्वीकी वॉइस, कहता है कि उस शाही शिशु ने इन शब्दों को अपनी छोटी अपनी नन्ही ऊंची आवाज़ में इन शब्दों को बोला, अर्थात ये बात उसने इस आवाज़ में पूछा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, कहता है कि मुख्य ज्योतिष शास्त्री ने हैरानी में अपनी उंगली को अपने नाक पर रख लिया। ए बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, कहता है कि एक बच्चा जो मात्र केवल 10 दिनों का है वो बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल्कि वह बड़ा ही महत्वपूर्ण बुद्धिजनक प्रश्न भी उठाता है। इनक्रेडिबल, ये तो बड़ा ही अविश्वासजनक बात है। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाई द वार ऑफिस, कहता कि इसके विपरीत जो समाचार इशू होते हैं, जो समाचार इशू हुए वो तो वार ऑफिस से हुए देन द फैक्ट, जबकि सच्चाई की बात सामने आनी चाहिए थी। अर्थात क्या कहता है, जैसे कि युद्ध कार्यालयों से सही तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है, अर्थात जैसे कि युद्ध कार्यालय सही तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है, अर्थात अमीन तो समझ में आ गया होगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, कहता है कि जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री था उसने अपने नाक के ऊपर से उंगली हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी निगाहों को उस नन्हे राजकुमार के ऊपर लगा दिया। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, कहता है कि जो राजकुमार है वह सांड के समय में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर इनिमीज, कहता है कि बुल और जो टाइगर है वो आपस में शत्रु है। देयरफॉर इसलिए द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी, अर्थात टाइगर इस बच्चे की मृत्यु करेगा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने ऐसा कहा। यू मे थिंक दैट क्रोन प्रिंस जंग जंग बहादुर वार थ्रोन इंटू एक्वेक, तुम ऐसा सोचते होंगे, तुमने ऐसा विचार किया होगा कि वो राजकुमार उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर इन शब्दों को सुनकर डर से कांप गया होगा। वैन ही हर्ड द वर्ड्स टाइगर, जब उसने शब्द टाइगर सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल वो जो नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रनाउंस्ड, जैसे ही उसने इन शब्दों को सुना। द क्रोन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, तभी वह राजकुमार शाही राजकुमार जो है गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से डरा देने वाले शब्द बाहर निकले, और क्या निकले। लेट टाइगर बीवा, कहता है कि टाइगरों को सचेत कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली ए रमर्स राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हाइंड साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कहते कि यह बात केवल प्रतिबंधपुरम में व्याप्त एक अफवाह है। कहते कि यह बात केवल प्रतिबंधपुरम में व्याप्त एक अफवाह है, बट हाइंड साइट वी मे कंक्लूड, लेकिन इसके पीछे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो हम ये निकालते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह कुछ सच्चाई पे भी निर्भर करता था। क्रोन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, कहता है कि वो राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकारी जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला गया और बलशाली होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड,
डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कहता है इसके बाद और कोई चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ केवल उस चमत्कार को छोड़कर जो पहले बताया जा चुका है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश का, उस बच्चे ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। एंड वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी परिचालिका द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और अंग्रेजी ट्यूटर द्वारा उसको पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसने कुछ नहीं देखा सिवाय इंग्लिश फिल्मों के। एग्जैक्टली एज द क्रोन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट, बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि भारत के राज्य के दूसरे राजकुमारों ने किया था। वहन ही केम ऑफ एज एट 20, जब उसकी उम्र 20 वर्ष की हुई। द स्टेट, वो राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड, जो राज्य अब तक मंत्रियों के अधीन रहा था, अनटिल देन अब तक, केम इन टू हिज हैंड्स, अर्थात अब उस राज्य का वह राजा बन गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस, लेकिन हर उसके पूरे राज्य के अंदर, बट एवरी वन इन किंगडम में, उसके राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक उस ज्योतिष शास्त्र द्वारा की गई भविष्यवाणी को याद किया करता था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कईयों ने इस पर डिस्कस करना जारी रखा। स्लोली इट केम टू दी महाराजस ईयर्स, धीरे धीरे यह खबर महाराजा के कान तक भी पहुंच गई। देर वर इनम्बरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, कहता है कि प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर असंख्यक वन थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उनके अंदर टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत पता थी, यू मे किल इवन ए काव इन सेल्फ डिफेंस, कहते कि अपने बचाव में तो आप एक काव की भी हत्या कर सकते हो। बट देर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कहते कि निश्चित रूप से अपना संरक्षण करते समय तुम निर्धारित रूप से किसी टाइगर की भी हत्या कर दो तो निर्धारित रूप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, इस प्रकार से महाराजा ने टाइगर हंट करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा की खुशी का कोई जो है तोल नहीं था जब उसने अपना पहला टाइगर की हत्या की। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने उस राज्य के ज्योतिष शास्त्री के पास बुलावा भेज दिया और उसने उस मृत टाइगर, जंगली जानवर की डेड बॉडी को उसे दिखाया। What do you say now? He demanded. उसने उत्तर की मांग करते हुए पूछा कि अब तुम क्या कहते हो। Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. कहते कि महाराज बिल्कुल तुम इसी प्रकार से 99 शेरों की हत्या कर सकते हो। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, अंतिम शब्द कहते हुए एस्ट्रोलॉजर ने अपना स्वर धीरे कर लिया, तो अर्थात वह धीरे से बोला। बट वट स्पीक विदाउट फियर, महाराजा ने कहा कि निडर होके बोलो, स्पष्ट बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th टाइगर, लेकिन तुमने 100वें टाइगर का जब शिकार कर रहे हो तो अत्यंत जो है सावधान रहना होगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या हो अगर 100वां टाइगर भी इसी प्रकार से मारा जाए तो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखित अपनी सभी किताबों को मैं पाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। आई सेल कट ऑफ माई टप्ट, मैं अपने बालों को कटवा लूंगा, अपनी चोटी को कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा। एंड बीकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। दी एस्टो रोजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, इस प्रकार से उस ज्योतिष शास्त्र ने अपनी इस बेमेल बात को पूरा किया। इसके दो पार्ट यहाँ पे पूरे हो गए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
इसलिए इसका अगला जो पार्ट है अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।